लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ऐबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को जायज कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज तलाक है। फरमाया, तलाक अल्लाह को इतना नापसंद है कि बार बार अपनी गुफ्तगू में तलाक के अल्फाज भी इस्तेमाल ना किया करो। और उसके बाद फिर तलाक भी देते हैं तो कितनी, एक जबान में तीन तीन तलाक। हम तो यहां तक सुन रहे हैं कि कोई कहता है कि जा तुझे तलाक तेरी माजल्ला, उसकी बीवी को कहता है तुझे तलाक तेरी खानदान को तलाक। तूने बीवी से निकाह किया या खानदान से निकाह किया? हंसने की बात नहीं, ये कितने ताज्जुब की बात है। दौरे रिसालत में ऐसा हुआ है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के दौर में एक साहब ने उनकी बीवी को हजार मर्तबा तलाक कहा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तीन तो पड़ गई और जो 997 थी उसका अजाब उसकी गर्दन पर है, ये उसके लिए वबाले जान बन गई, आखिरत में अजाब का जरिया बन गई। अब यहां पर कुछ संजीदगी से कुछ मसाइल पेश करना चाहता हूं। देखें, जब ये चीज अल्लाह को नापसंद है तो एक सवाल ये पैदा होता है, चूंकि पढ़े लिखे लोग, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग चांद पे कमंदे डालने की बातें करते हैं, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोग जो है वो मिर्रीख पर बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं, दुनिया मुट्ठी में आ गई है तो लोग अकल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, जब तलाक अल्लाह को नापसंद है तो तलाक रखी क्यों? पहली बात तो ये कि अल्लाह के हर काम में हिकमत है। पहली बात, जब दो मियां भी दो मर्द औरतों का निकाह हो जाए तो कोई जरूरी नहीं होता कि दोनों एक दूसरे को पसंद करें, या दोनों की जम भी जाए, या दोनों में मोहब्बत पैदा हो तो सुभान अल्लाह। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में जमती नहीं, या कुछ मसाइल पैदा होते हैं, शौहर में कोई ऐब हो, बीवी में कोई ऐब हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक शौहर ऐसा ऐबी हो गया कि वो अपनी बीवी का वजीफ़ा ज़ौजियत हक ही अदा नहीं कर सकता। ये वजीफ़ा ज़ौजियत थोड़ा सा भारी हो रहा होगा आपको, लेकिन चूंकि यहाँ बुजुर्ग भी हैं, हमारे सरपरस्त भी हैं, हमारी माएँ बहनें भी हैं, तो हम बहुत हया के पर्दे में बात करना चाहते हैं। जब भी मैं वजीफ़ा ज़ौजियत कहूंगा तो आप उससे समझ जाएंगे कि उससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात मुराद हैं। अगर कोई शौहर इतना ऐबी हो गया, बीमार पड़ गया कि वो बीवी का हक के ज़ौजियत वजीफ़ा ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता, तो क्या करे उसकी बीवी? वो सिसकती रहे, वो फांसी के फंदे पे चढ़ जाए, या अपने आप को आग लगा ले, क्या करे वो? तो इस्लाम ने कानून अता किया कि जब निभा की कोई सूरत ना हो, तो इस्लाम ये कहता है जब कोई सूरत ना हो तो खैर के साथ दोनों अलग अलग हो जाएं। और ये चीज किसी ना किसी एतबार से हर मजहब में मौजूद है। अमरीका ने बहुत पहले इस्लामी तलाक के कानून का मजाक उड़ाया, मगरबी दुनिया ने भी मजाक उड़ाया कि निकाह के बाद तलाक क्यों। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस्लाम में जब मियां बीवी की जमती नहीं तो औरतें फांसी लेने की बजाय, जलने की बजाय, किसी के साथ भागने की बजाय वो खैर के साथ अपने माँ बाप के घर लौट आती है, इस हिकमत के तहत तलाक का कानून रखा गया कि जो दो लोग दोस्त हो जाए, मियाँ बीवी हो जाए, प्यार मोहब्बत लाजमी नहीं है। अक्सर 95% मोहब्बतें पैदा होती है, 5% अगर ऐसा हो कि मोहब्बत पैदा ना हो तो दोनों अलग हो। नहीं देखते आप, आए दिन लिखा हुआ है अखबार में, किसी को फांसी दे दी गई, जहेज कम मिलने की बुनियाद पे बहू को जला दिया गया, ये सारी चीजें हैं। तो जलाया क्यों गया? कि इससे छुटकारे के लिए अब कोई कानून नहीं उनके पास, इसलिए जला रहे हैं। बीवी बहू को काट डाला गया इसलिए कि उनके छुटकारे के लिए कोई कानून नहीं है। इस्लाम कहता है इतना बड़ा जुल्म मत करो, अगर लाए हो नहीं निपटी खैर के साथ तलाक दे दो। इस्लाम ने आफियत के लिए तलाक का कानून रखा, लेकिन लोगों ने उसका मिसयूज किया। अब गुस्से में आते हैं तो तलाक देते हैं, तीन तीन देते हैं, एक जबान में तीन तीन देते हैं। दूसरी चीज ये है कि तलाक जब है तो फिर तलाक का इख्तियार मर्द को क्यों है, औरतों को क्यों नहीं है? जब दोनों मियां बीवी हैं तो दोनों को तलाक का इख्तियार होना चाहिए, सिर्फ मर्द को क्यों? उसकी पहली वजह यह है कि निकाह जो होता है वो औरत की मर्जी से होता है। दूल्हा सेहरा सजाकर बारात लेकर मिंबर पे आकर बैठ गया, अपने दौर के बादशाह का बेटा हो,
लखपति हो, करोड़पति हो, आलिम हो, हाफिज हो, मुफ्ती हो, कोई ओहदा रखता हो, उस वक्त तक के निकाह हो नहीं सकता जब तक के वो लड़की इजाजत न दे कि मैं इसके साथ निकाह करती हूं। अगर वो लड़कियां ना कह दे, लड़की ना कह दे और वो बालिग है, तो ना बाप को, ना चचा को, ना दादा को, किसी को इख्तियार नहीं। हम हर मामले में उलमा पर बहुत एतमाद करते हैं, आलिम को भी इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपने मोहल्ले की किसी बच्ची का निकाह कर दे। आप आलिम और अहले इक्तदार की बात करते हैं। आइए, हमारे रसूल ने कानून दिया, अल्लाह ने हमारे नबी को इतना बाइख्तियार और पावरफुल बनाया है कि वो इशारा करते हैं तो चांद टुकड़े होते हैं, अल्लाह सूरज डुबाता है और वो इशारा करके निकालते हैं अल्लाह के इज्न से, उनकी नजरें उठती है तो अल्लाह किबला बदल देता है। ऐसा मालिको मुख्तार नबी जिसकी मर्जी से अल्लाह किबला बदलता है, जब उनके घर हजरत अबू बकर सिद्दीक उनकी बेटी का रिश्ता लेकर के गए, या रसूल अल्लाह मैंने सुना है आपकी बेटी फातिमा सिन्ने बलोग को पहुंच गई है, हम उससे निकाह करना चाहते हैं। मेरे आका अली सलाम फरमाते हैं, अबू बकर इंतजार करो, मुझे अपने अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। और उसके बाद मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, जब मौला अली आए तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अली मेरे अल्लाह ने तेरा नाम मुझे बताया था कि तेरे साथ फातिमा का निकाह होगा, लेकिन रुक, पहले मैं फातिमा की मर्जी मालूम करूं। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने अपनी बेटी के निकाह में, जो रसूल तकदीर का फैसला करने का इख्तियार रखता है, जो रसूल जन्नती और जहन्नमियों के फैसले करने का इख्तियार रखता है, वो रसूल अपनी बेटी के निकाह के मामले में बेटी से पूछ करके बता रहे हैं कि अगर आज मैंने कर दिया तो हर बाप अपनी बेटी को कहीं भी फंसा देगा, इसलिए सरपरस्तों के मशवरे से निकाह होना चाहिए, लेकिन उस वक्त तक निकाह नहीं हो सकता जब तक के बालिग बेटी इजाजत न दे। तो जब उसने इजाजत देकर उसे पसंद कर लिया, उस पसंद करने में, कबूल करने में उसका इख्तियार है और छोड़ने में शौहर का इख्तियार है, यही इंसाफ है। एक इख्तियार इसे दिया तो दूसरा इख्तियार उसे दिया। अच्छा, पसंद का इख्तियार नाकिसुल अक्ल को दिया, हुन्ना नवाकिसुल अक्ल व नवाकिसुद दीन, औरतों को अल्लाह ने अक्ल कम दी है मर्दों के मुकाबले में, तो इसलिए पसंद का इख्तियार, तवज्जो फरमाएं, बहुत अहम नुक्ते की तरफ आ रहे हैं, पसंद का इख्तियार कम अकल को है और छोड़ने का इख्तियार ज्यादा अकल वाले को है। कम अकल वाले को, मैं औरतों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, ये इस्लाम का कानून बयान कर रहा हूं और ये कहीं ना कहीं मौजूद है हर जगह, आप गौर फरमाएं, पसंद का इख्तियार कम अकल वाले को क्यों है, छोड़ने का इख्तियार ज्यादा अकल वाले को क्यों है? क्योंकि जिसकी अकल कम होती है वो पसंद के मामले में बहुत चांद बिछान बीन करता है। उसको एक मिसाल के जरिए देखें, आपके दो बेटे हो, एक की उम्र 18 साल हो, एक की उम्र 5 साल हो, 18 साल के बेटे को कपड़ा या जूता दिलाने के लिए आप जाएं, वो किसी एक दुकान से पसंद करके ले लेगा, लेकिन जो बच्चा 5 साल का होगा, ये लाल चाहिए, ना ना ये नहीं, ये मुझे येलो चाहिए, ना ये भी नहीं मुझे ये, यानी कि वो पसंद के मामले में बेहतर से बेहतर जो उसकी अकल पे एतबार होता है उसका इख्तियार करता है। मेरे अल्लाह ने कहा, क्योंकि पसंद कम अकल वाला बहुत शान बीन के करता है और ज्यादा अकल वाला किसी को छोड़ने में एहतियात करता है। अगर पसंद का इख्तियार मर्दों को होता तो वो किसी मामले पे समझौता कर लेते, और छोड़ने का इख्तियार औरत को होता तो वो दूध के जल जाने पर भी घर छोड़कर चली जाती। जब सिर्फ अफवाह फैल जाए कि आपका शौहर किसी के साथ पार्क में देखा गया, वो शौहर के घर आने से पहले छोड़कर चली जाती है, इतनी गुस्सा उसका होता है, उसकी तबीयत होती है, गैरत है उसके अंदर, हया उसके अंदर, कोई ऐब नहीं है, हया है, गैरत है। अच्छा, एक अहम नुक्ता, शौहर को इख्तियार तलाक का क्यों है? इस्लाम ने शौहर को तलाक का इख्तियार देकर हर औरत को शौहर की नजर में मोतबर बना दिया है। क्यों मोतबर बना दिया है? अगर औरत को भी तलाक का इख्तियार होता तो तिजोरी की चाबी कभी वो बीवी के हाथ देकर ना जाता,
शौहर को हर वक्त डर लगा रहता, मैं जाऊंगा ड्यूटी पर और ये अगर लेकर के चली गई फिर कहां पकड़ूंगा इसे, लिख कर चली जाएगी कि हमने आपको तलाक दे दिया है। कुर्बान, हर शौहर ड्यूटी पर दिमाग घर लगा रहता, पता नहीं कब लिख कर चली जाएगी, कब लिख कर चली जाएगी। औरत से तलाक का हक लेकर इस्लाम ने औरत पे जुल्म नहीं किया है, शौहर के नजदीक मोतबर बना दिया है। हर शौहर बेफिक्र होकर घर से निकलता है, जब तक लौट कर नहीं आऊंगा जाएगी कहां, चली भी गई तो कहां होगी, वो अपने मस्कन पर होगी, वो अपने महवर पर होगी। तो इस्लाम ने जुल्म नहीं किया है, औरत को मोतबर बनाया है, औरत को मोतमत बनाया है, और जहां एतमाद होता है वहां रिश्ता मजबूत होता है। तो तलाक का हक औरत से लेकर रिश्ता मजबूत कर दिया गया है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तलाक का हक मर्द को दिया, एक सूरत ऐसी है कि तलाक का हक औरत को भी हासिल होता है, उसे इस्लाम में खुला कहते हैं कि अगर शौहर को बीवी नापसंद करती है या कोई मामला है तो जितना महर शौहर ने उसको दिया था उतनी रकम वो देकर अपने शौहर से वो खुला ले सकती है। फिर उसके बाद आप देखें, जुल्म नहीं है, इस्लाम में एक कानून काजी का कानून है, जो काजी शरा होता है उसको इस्लाम ने इतना इख्तियार दिया, अगर शौहर किसी पे जुल्म करता है तलाक नहीं देता। क्योंकि इस्लाम में, इस्लाम से पहले ऐसा था कि लोग निकाह करते थे, निकाह करने के बाद फिर एक तलाक देते थे, इद्दत पूरी होने से पहले पहले या तलाक पड़ने से पहले फिर रुजू करते थे, फिर तलाक देते थे, फिर रुजू करते थे, फिर तलाक देते थे, फिर रुजू करते थे। इस्लाम आया तो ये कानून इस्लाम ने चेंज कर दिया और कहा अत तलाक व मरतान, कि तलाक जो है वो सिर्फ दो मरतबा है और जब तीसरी मरतबा तलाक होगी तो मियां बीवी के ताल्लुक मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। तीन मरतबा कभी तलाक ना दें, इसलिए कि जब आप तीन मरतबा तलाक देते हैं, तीन मरतबा तलाक अगर आप देते हैं तो फिर कोई निबाह की सूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वो बीवी उसी वक्त फौरन आपसे अजनबी हो जाती है और उसके बाद वो आपके साथ रह नहीं सकती। दौरे रिसालत से लेकर 1857 तक या 1851 तक यही कानून चला आया कि तीन तलाक तीन है, लेकिन उसके बाद कुछ लोग 2.5% इस्लाम में ऐसे पैदा किए अंग्रेजों ने कि जिन्होंने बहुत सारे मामलात में इख्तलाफ पैदा किया, तो तलाक के मामले में भी उन्होंने इख्तलाफ पैदा किया कि ये तीन नहीं बल्कि एक है। आप कुरान हदीस को अपनी जगह रखें, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं, दानिश्वर तबका भी मौजूद हैं, महिला मंडल के लोग भी मौजूद हैं, बड़े अजीम लोग इस महफिल में है। मैं आपसे पूछता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि एक महफिल में तीन तलाक एक ही होती है, इसको अकल भी गवारा नहीं करती, मजहब भी गवारा नहीं करता, उसको एक अंदाज से यूं सोचे, एक महफिल में चप्पल उतार कर अगर कोई किसी के गाल पे तीन मर्तबा मारे, जब वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने के लिए जाएगा तो क्या वो ये कहेगा कि एक मर्तबा मुझे मारा गया या तीन मर्तबा? आप कहेंगे तीन मर्तबा। हम आपसे पूछते हैं, जब एक नशिस्त की तीन गालियां तीन ही है, अगर कोई किसी को एक महफिल में तीन गालियां दे तो कंप्लेन तो तीन की होगी ना, तीन मर्तमाचे मारे तो तीन होंगे। एक नशिस्त की तीन गालियां तीन है, एक नशिस्त की तीन मर्तबा सुभान रब्बी अलाला सजदे में तीन है, एक नशिस्त के अंदर तीन तमाचे तीन है, तो आखिर बेचारी तलाक ने क्या कसूर किया है कि इसको एक नशिस्त में हजार मर्तबा दिया जाए फिर भी एक ही माना जाए? ये कतान अक्ल के खिलाफ है और अक्ल के साथ साथ मजहब के भी खिलाफ है। मुफ्ती साहब ने आपको तीन तलाक की शरई हैसियत बताई, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने पेश करता हूं, तीन तीन ही है। हजरत फातिमा बिन्त कैस, उनका तलाक हुआ, कुछ लोग आका के पर्दा फरमाने के बाद उस बुढ़िया से मिलने गए और कहा हमें तलाक के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा मेरे शौहर सफर पर जाने से पहले उन्होंने मुझे तीन तलाकें दी और तीन दी तो अल्लाह के रसूल ने तीनों को नाफिस कर दिया। तीन देना गुना है, लेकिन अगर कोई दे देगा तो नाफिस हो जाएगी। हमारे नौजवान ये समझते हैं कि तीन तलाक जब तक दो नहीं उस वक्त तक तलाक होती नहीं,
और जब गुस्सा ठंडा होता है सर पकड़ते हैं, हाय वाय करते हैं, उलमा से कहते कोई रास्ता निकालें। उलमा रास्ता कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हम हिंदुस्तान के शहरी है, कितना भी बड़ा शहरी हो, यहाँ का कारपोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो, या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, वो कानून का निफाज कर सकता है, कानून बदल नहीं सकता। किसी भी ऑफिसर को मुल्क का कानून बदलने का इख्तियार नहीं है। तो जब हम एक मुल्क में रहकर उसके शहरी होकर उसका कानून नहीं बदल सकते, तो हम अल्लाह का कानून कुरान कैसे बदल सकते हैं? आप ये जो कहते कोई रास्ता निकालें, रास्ते आप बंद करें और आप कहते रास्ते निकालें, देखिए मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। तलाक तीन कभी ना दें। अगर ऐसे हालात पैदा हो ही जाएं कि तलाक देने को आप जरूरी समझते हैं, तो आप सिर्फ एक तलाक दें, क्योंकि बास सूरतों में एक तलाक से भी औरत अजनबी हो जाती है। उसकी सूरत कानून ने यह बताया है कि अगर एक तलाक कोई शौहर उसकी बीवी को देता है तो यह एक तलाक हो गई रजई। रजई मतलब यह है कि आप इसको वापस ले सकते हैं, इसको कहते हैं रजई, यानी रजात करना, लौटना। तो अगर किसी ने एक तलाक दिया तब उसके पास, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, 3 महीने का कमोबेश वक्फा मौजूद होता है अपनी बात पे गौर करने का। हालांकि इद्दत 3 महीने नहीं होती बल्कि 3 पीरियड होते हैं, जिसको हम हया के पर्दे में अय्याम ममनुआ कहते हैं, लोग उसको एमसी भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो अगर एक रजई तलाक, एक तलाक अगर किसी शौहर ने उसकी बीवी को दे दिया, तो इद्दत यानी 3 पीरियड जब तक नहीं आ जाते, यानी कमोबेश उसकी मुद्दत 3 महीने होती, समझने के लिए कि आप उसको 3 ना समझे, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। 3 महीने का वक्फा होता है, आप सोच लें आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। 3 महीने के आप तो 3 मिनट के बाद ठंडे होते हैं, आप तो 3 मिनट के बाद ठंडे होते हैं, 3 महीने का वक्फा आपको मिल रहा है। गौर कर ले, सोच ले, अगर आप ठंडे हो गए, आपका गुस्सा ठंडा हो गया, तो आप रुजू कर सकते हैं, यानी आप ये कह दे कि भाई हमने अपनी बात वापस लिया, मैं रुजू करता हूं, या जबान से ना कहा, उसको घर में ले आया और मियां बीवी जैसा सुलूक कर लिया तो रुजू हो गया। लेकिन अगर आप जिद पे अड़े रहे, वो बेगम भी जिद पे अड़ी रही, और इद्दत गुजरने तक दोनों में से किसी ने निभा का मामला नहीं लाया, तो ऐसी सूरत में जब इद्दत गुजर जाएगी तो जिसको आपने एक तलाके रजई दी थी वो बाइना हो जाएगी, एक ही होगी लेकिन वो बाइना हो जाएगी। अब अगर वो बाइना हो गई तो वो इद्दत गुजार कर अब किसी और के साथ निकाह कर सकती है, ये कानून है, ठीक है। लेकिन इद्दत गुजर गई और आपका दिमाग का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और वो हो गई इद्दत गुजरने के बाद अजनबी या बाइना, तो अगर आप 50 साल के बाद भी अब उससे निकाह करना चाहें तो बगैर हलाले के आप निकाह कर सकते हैं, क्योंकि आपने तलाक तो एक ही दी थी ना, इसलिए आप हलाले के बगैर निकाह कर सकते हैं, यह है कानून। तो इसलिए यहां बैठे हुए, क्योंकि हमें मसाइल मालूम नहीं है, हमें यही पता है जब तक 3 बार नहीं बोलेंगे होगा नहीं, आप एक ही बार पहली बात तो दे ही ना, अगर जरूरत महसूस करते तो एक दें, ताकि बाद में आपके लिए रास्ता खुला रहे, 3 देने के बाद कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए मैं अपनी खवातीन से भी अपील करूंगा कि जब शौहर गुस्से में हो तो आपको सीना तानने की कोई जरूरत नहीं। वफादार बीवी का कैरेक्टर यह होना चाहिए जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को कहा था, फातिमा अगर तूने इस हाल में इंतकाल किया कि तेरा शौहर तुझसे राजी है तो मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि तू जन्नती है, और अगर इस हालत में तू दुनिया से कूच कर गई कि तेरा शौहर तुझसे नाराज है तो मैं कयामत के दिन तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा। ये आजकल तो माँ बाप शय देते हैं और बेटियों को, उनकी बेटी चार्ज कर, बेटी तेरा बाप कोई फकीर नहीं है, अगर तेरे घर में तकलीफ हो तू आना, हम जो है तुझे परवरिश करेंगे, तेरी तुझे निभाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शौहर जो बीवी को दे सकता है वो बाप नहीं दे सकता। बाप सोने के पलंग पे सुला सकता है लेकिन दिल का सुकून
बाप नहीं दे सकता, भाई नहीं दे सकते। दिल को तस्कीन जिस चीज से मिलती है वो सिर्फ शौहर दे सकता है। और मेरे आका फरमाते हैं जो बाप अपनी बेटी को तलाक पे उभारे, अल्लाह उसके रसूल और सारे फरिश्तों की उस पे लानत है। अल्लाह कयामत के दिन ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। अपनी बेटियों को सब्र की तलकीन करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर के जुल्म पे सब्र करती है अल्लाह उसे सब्र आसिया का सवाब अता फरमाता है। कमेंट शेयर जरूर करिए।